हेलो फ्रेंड्स, लेकर आए हो आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बनाएंगे रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल सेल को हम चार्जर भी घर पर ही बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए रिचार्जेबल सेल जो कि हमारे पास में है, और इसके चार्जिंग करने के लिए हमें चाहिए एक रिचार्जेबल केस जिसमें ये सेल फिट हो। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ केस वो कैसा होना चाहिए जिसमें सेल फिट हो। और एक यूएसबी केबल जो आपको कोई भी अप्लायंसेस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स किट अगर आपने कोई परचेस की होंगी तो उसके साथ आपको मिल जाएंगी, या मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप जाके इसे परचेस कर ले और यहाँ से इसे कट कर ले। और इसके बाद में इसमें जो दो पॉइंट निकलेंगे, एक जो इसमें कलर वाली होंगी वो प्लस रहेंगी और जो व्हाइट या ब्लैक होंगी वो माइनस। तो आपको माइनस वाली मतलब व्हाइट जो है अपनी यहाँ पर अपनी माइनस है, मैं आपको बता दूँ फोकस करके, ये मैंने इधर लगा दिया है स्प्रिंग वाले तरफ जो कि केस का अपना माइनस है। और कलर वाली कलर कोडिंग वाली जो वायर है वो हमने सोल्डर कर दी है अपने पॉजिटिव एरिया पे। तो हमारा ये चार्जिंग का केस सिंपली बन गया है बहुत ही लो कॉस्ट में। अब हमें सिंपली इसमें सेल इंसर्ट करना है और आप इसे अभी चार्जिंग कर सकते हैं कोई भी पावर बैंक के थ्रू भी। देखिए अभी ये पावर बैंक ऑफ है, जैसे मैं इसमें कनेक्ट करूंगा पावर बैंक ऑन हो जाएगा। देखिए मतलब ये जो सेल है ये चार्जिंग स्टार्ट हो गए, जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएंगी पावर बैंक ये चार्जिंग करना बंद कर देगा। और ये चार्जर अब ये सेल जो है अभी डिस्चार्ज थे, 5 मिनट बाद में मैं आपको बताता हूँ ये जब चार्ज हो जाएंगे। मेरे पास में एक वायरलेस माउस है जो बहुत ज़्यादा सेल कंज्यूम कर लेता था और बार बार कॉस्ट पड़ता था, इसके लिए मुझे आइडिया आया कि मैं रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करूँ। तो मैं आपको इस रिचार्जेबल बैटरी से मेरा माउस चला कर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में ये कितना चार्ज हुआ वो अभी या नहीं, हम इसे हमारे माउस में डालकर देखेंगे। देखिए जैसे ही मैंने सेल निकाला तो चार्ज होना बंद हो गया। इसे रखते साइड में, ये है हमारे पास में वायरलेस माउस। अभी देखिए इसके अंदर सेल नहीं है, और जैसे ही मैं इसके अंदर डालूँगा देखिए ये वर्किंग कर रहा है वेरी परफेक्टली। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए ऐसी हैक्स के लिए और अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम घर में बनाने के लिए। थैंक यू।